हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिन सबमिशन होता क्या है और उसे करते कैसे हैं और वो उसे करना क्यों ज़रूरी है हमारे SEO के ऊपर। तो गाइस, पिन सबमिशन पहले तो जान लेते हैं कि होता क्या है। गाइस, ये पढ़ लीजिए एक बार। पिंगिंग रेफर्स टू सेंडिंग ऑटो जनरेटेड नोटिफिकेशन टू सर्च इंजन स्पाइडर्स टेलिंग देम डैट द पेज हैज़ बीन अपडेटेड एंड नीड्स टू बी रिक्रॉल्ड। इन SEO, पिंगिंग मीन्स टू टेल सर्च इंजन अबाउट योर न्यूली क्रिएटेड बैकलिंक्स सो डैट दे आर क्रॉल्ड एंड आर काउंटेड। तो गाइज, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि जैसे मान लो मैंने कोई भी अपना एक बैकलिंक जनरेट बनाया, कहीं पर भी मैंने किसी भी साइट पे अपना बैकलिंक बनाया, ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ वो जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो जाए, ठीक है, तो उसी के लिए हम करते हैं गाइज सिर्फ पिंग सबमिशन की, जल्दी से जल्दी इंडेक्सिंग हो जाए उसकी। क्योंकि गाइज, ये आपने जिस हिसाब से पढ़ा इसमें आपको पता चल गया होगा कि उसको हम गूगल के स्पाइडर को, रोबोट को ये बता रहे हैं कि वो हमारा पेज अपडेट हो चुका है या उसको क्रॉल कर लिया जाए, रिक्रॉल्ड कर लिया जाए उसे। तो इसलिए गाइज हम ये पिंग सबमिशन करते हैं और ताकि हमारे बैकलिंक जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो और उसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट की रैंकिंग है उसमें फ़र्क पड़े। चलिए गाइज, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि पिंग सबमिशन करते कैसे हैं। गाइज, मेरी मैं जो एक वैसे तो आप नॉर्मली यहाँ पे लिख सकते हो पिंग सबमिशन साइट लिस्ट फॉर SEO। देखो गाइस, यहाँ पे बड़ी सारी साइट्स आ जाएंगी। देखो, बड़ी नीचे चलते हैं। ये देखो, बड़ी सारी ये साइट्स आ गई। आप किसी भी साइट पे जाके आपने पिंग सबमिशन कर लेना है, ठीक है। बट गाइस, मैं एक जो मेरी ऐसी साइट है मैं उस पर करता हूँ। ये totalping.com करके एक साइट है, इसमें बड़ी सारी एक साथ पिंग्स हो जाती हैं। ये देखो, totalping.com खोलते हैं। इस पर गाइस सिंपली आपको आना है, ब्लॉग नेम यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, डिटेल ब्लॉग नेम, योर ब्लॉग डिटेल्स, ब्लॉग नेम में ब्लॉग नेम आपका जो भी मेन वेबसाइट का पेज रहेगा वो डाल देना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मेरा कीवर्ड, यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड यूज़ करता हूँ ताकि मेरी इंडेक्सिंग है जो अच्छी हो। ये देखो, मान लो मेरे को ठीक है, मेरी मान लो एक ये साइट है, ठीक है, ये मैं यूज नहीं करता साइट, ये मेरी ऐसे ही पड़ी हुई है, खाली करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। कॉपी करा, मान लो मेरी ये साइट है, मेरे को अब इसको, इस पेज को दोबारा से इंडेक्स कराना है, ठीक है। मेरी मान लो ये किसी और की साइट है तो मैं सिंपली सर्च कंसोल में जाके तो कर नहीं सकता, उसलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो जो ब्लॉग का जो हमारा होम पेज होगा वो यहाँ डाल देंगे हम, जो भी पेज को हमने इंडेक्स कराना है, ठीक है, एंड जो भी हम उसको देना चाहते हैं, मान लो हम नाम देना चाहते हैं इसका, जिस भी कीवर्ड पे हम रैंक कराना चाहते हैं, या हमारा जो भी मेन वेबसाइट का टाइटल होगा, जैसे इसका मान लो माय ब्लॉग है या डिजिटल ज्ञान लिखा हुआ मैंने, तो इस पे अगर मेरे को रैंक कराना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा डिजिटल ज्ञान एंड इसको कर देंगे देखो सिलेक्ट ऑल। ये सारे इतने सारे जो सर्च इंजन है सब में सबमिट हो जाएगा एंड कर देंगे मेक पिंग, ठीक है। इस सब जितनी भी वेबसाइट है सब पे ये पिंग हो जाएगी, ये करके डिजिटल ज्ञान डॉट ऑनलाइन करके ये सारी पिंग हो जाएंगी। देखो बस गाइस, ये देखो 5% हुआ है, ये जल्दी ही 10% फिर 100%, मतलब फटाफट हो जाएगा, ऐसी कोई देर नहीं लगेगी। मतलब जो भी गाइस आप जहाँ पर भी बैकलिंक बना रहे हो, आपको पता है कितना टाइम लग जाता है बैकलिंक इंडेक्स होने में, एंड मतलब बड़े देर हो जाती है और उसकी वजह से हमारी रैंकिंग जो है बहुत टाइम बाद मिलती है। और क्या कई कई जगह तो ऐसा भी होता है कि हमारे बैकलिंक ही इंडेक्स नहीं होते। तो गाइस, ये सबसे अच्छा वे है एंड मैं तो इसको यूज़ करता ही करता हूँ अपने बैकलिंक को इंडेक्स करवाने में। तो ये आप कर सकते हो यूज़, अगर आप भी अगर अपना SEO कर रहे हो अपनी साइट का, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बैकलिंक को इंडेक्स कराने में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वे है एंड गाइस, बस इसको ये 100% हो जाएगा एंड आपका बैकलिंक, मतलब आपका जो है जो वो पेज है, URL है जो, वो इंडेक्स हो जाएगा। तो आपको कोई इससे इसमें अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही आपको कोई और भी पेज इंडेक्स कराना है तो और भी कोई पेज इंडेक्स करवा सकते हो आप, या किसी भी और साइट का कराना है, किसी और साइट के आप बैकलिंक बनाया आपने उसका पेज इंडेक्स कराना है तो वो भी करा सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये 100% होने ही वाला है। ये 100% होते ही आपने कुछ भी नहीं करना, आपका पिंग्स हो जाएंगी। ये थोड़ी बहुत साइट्स होती हैं गाइस जो बंद हो चुकी होती हैं या
वो नहीं ले पाती, तो ये देखो ये इस पे नहीं हुआ, इस पे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमारी बाकी पे तो हो गया। वरना गाइज आपको बाकी भी बड़ी सारी साइट्स हैं, जैसे ये बल्क पिंग पे भी जाके आप पिंग्स कर सकते हो, और भी बड़ी बड़ी सारी साइट्स हैं जिस पे अगर आपको करना है तो कर सकते हो। पिंगोमैटिक भी है एक, ये देखो pinglr.com, pingmyurl.com, ये बड़ी सारी साइट्स हैं, इस पे आप कर सकते हो। ये खुल नहीं रही साइट, कई साइट्स गाइज बंद हो जाती हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो गाइज ये हो गया हमारा 100%, ऑल पिंग्स हैव बीन सेंट। तो गाइज मेनली मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इधर से बड़ी सारी पिंग्स एक साथ मेरी हो जाती हैं। तो अगर आपको भी करना है तो आप यही यूज़ कर सकते हो, totalping.com, ये अच्छी साइट है, इससे ही आप इंडेक्सिंग आपकी हो जाएगी सारे साइट्स की, ठीक है। तो गाइज अभी खुल नहीं रही, कई साइट्स गाइज खुल जाएंगी, कई साइट्स नहीं खुलेंगी, ऐसा होता है कई बार, क्योंकि कई साइट्स बंद भी हो जाती हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गाइज, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार एक लाइक मारो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।